प्रदेश की जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और आज हर वर्ग प्रदेश सरकार से नाराज है। पेपर लीक मामले में प्रदेश की जयराम सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। ये जुबानी हमला शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं द्रंग से कांग्रेसी प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर किया है। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज प्रदेश में 1.5 लाख के करीब पद रिक्त चले हुए हैं। जियो का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है और पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने जमकर घोटाला किया। पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इतिहास में पहली बार सभी वर्ग प्रदेश सरकार से नाराज रहे। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ धरना ना दिया हो। मंडीवासियों को सीएम जयराम ठाकुर से कई उम्मीदें थी, लेकिन सीएम ने मंडीवासियों का आशा और विश्वास दोनों खोया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार के मिशन रिपीट पर भी तंज कसा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार का मिशन रिपीट डिफीट में बदलने वाला है। जयराम ठाकुर बार बार रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन सीएम पहाड़ियों का कौन सा रिवाज और कैसे बदलेंगे हमें भी बताएं। सीएम जयराम ठाकुर पहाड़ियों का रिवाज तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनका ताज जरूर बदल कर रहेगा। 12 नवंबर को मतदान होने के बाद जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो भाजपा सत्ता से बाहर होगी। कांग्रेस पार्टी 45 से 50 सीटें जीतकर सत्ता वापसी करेगी। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की है वह वेल डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही भाजपा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की थी वह खोदा पहाड़ निकली चूहियां, ना कि कांग्रेस की। वहीं सीएम बनने के दावे पर पूछे गए सवाल पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि दावा करने से कोई भी सीएम नहीं बनता है। पंडित सुखराम ने ये दावा किया था कि लेकिन वह भी नहीं बन पाए। कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह तानाशाह सरकार नहीं है। भाजपा ने कई राज्यों में तानाशाही तरीके से अपने सीएम प्रोजेक्ट किए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 31 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंडी में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली है। उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और देश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। जहां तक जयराम सरकार की बात है, जयराम सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि श्री जयराम जी मंडी के निवासी है, मंडी का मुख्यमंत्री बने, पहली बार मंडी को कई सौगाते देंगे, लेकिन मंडी जिले की जो आशा और विश्वास उन पर था वो निराशा में बदल गया। जयराम सरकार से कर्मचारी नाराज है कि उनका 1-3% का डीए था वो नहीं दिया, 4% डीए वो नहीं दिया, जो दिवाली के वक्त देते थे 3% डीए वो नहीं दिया है। और कर्मचारियों को निराश किया है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। मैंने सभी विभागों का डेटा लिया है और जयराम सरकार जो है उनको भरने में विफल रहे हैं। आज स्कूलों में अध्यापक नहीं है, लगभग 22,000 पद शिक्षा विभाग में अध्यापकों के खाली पड़े हैं। स्कूलों में अध्यापक नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, बिजली बोर्ड में टीममेट नहीं है, बिजली जाती है तो कई दिन लग जाते हैं ठीक करने के, स्टाफ बड़ा कम है। तो जयराम सरकार पूरी तरह विफल रही है। जयराम सरकार आज तक की
सबसे ज़्यादा जो पेपर लीक हुए हैं इम्तहान में, जयराम का नाम जो है गिनीज बुक में लिखा जाएगा। अब जयराम जी कहते हैं मिशन रिपीट, और कांग्रेस ने उसका जवाब दिया मिशन डिफीट, हम इनका मिशन डिफीट करेंगे। ये कहते हैं रिवाज बदलेंगे, हम पहाड़ी, हमें इस बात का गौरव है, पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी हमारा रहन सहन है। तो जयराम जी कैसा रिवाज बदलेंगे हिमाचल के लोगों को, हम इनसे भी ये पूछना चाहते हैं कौन सा रिवाज बदलेंगे। रिवाज तो हमारा बदल नहीं सकते, लेकिन ताज जयराम जी का जरूर बदलेगा। जयराम सरकार 12 नवंबर को जब चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को रिजल्ट निकलेंगे, जयराम सरकार सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस पार्टी 45 से 50 सीटें लेकर के सत्ता में आएगी। और जो 5 साल की घुटन लोग महसूस कर रहे थे, उस घुटन से लोगों को छुटकारा मिलेगा। और जो 4 सीट आई है, ये 4 सीट वेल डॉक्यूमेंटेड, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, और सरकार आएगी तो इस 4 सीट पे जरूर कार्रवाई करेंगे। जो भाजपा की 4 सीट थी हमारे खिलाफ, वो था खोदा पहाड़ निकली चूहा, क्योंकि किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो 4 सीट झूठी थी। और जो हमारी 4 सीट है, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, डॉक्यूमेंट के साथ है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, वो दावा करने से मुख्यमंत्री बनते हैं। पंडित सुखराम ने कितनी बार दावा किया, वो नहीं बन सके। दावा करने से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री जो चुने हुए विधायक हैं उनकी राय ली जाएगी, कांग्रेस के ऑब्जर्वर आएंगे, वो हाईकमांड को देंगे कि किसके साथ कितने विधायक हैं, और हाईकमांड कहती है इनको मुख्यमंत्री बना दो। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह मतलब तानाशाह पार्टी नहीं है। जिस तरह उत्तराखंड में धामी जी हार गए और 6-7 बार जो मतलब एमएलए बने थे उनको नहीं बनाया, न एमएलओ की राय ली, कहा कि धामी द्वारा मुख्यमंत्री होगा, न ऑब्जर्वर भेजे, न किसी की राय ली। और वहाँ गुजरात में रूपानी जी मतलब चीफ मिनिस्टर, कोई डिसिडेंट नहीं था, मोदी का आदेश गया कि इस्तीफा दो, सारा मंत्रिमंडल बाहर हो गया, नया मंत्रिमंडल बना, एक भी पुराने मंत्री नहीं लिया। तो क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? कांग्रेस पार्टी में ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं है।